अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है जी असर का टाइम, तो मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि नींद आने लग गई थी। मैंने कहा असर का टाइम है तो वैसे भी अब सोऊंगी तो तबीयत और भी बेख़राब हो जाएगी, तो इसलिए नहीं सोई। मैंने कहा चलो नींद को साइड पर रख के तो व्लॉग स्टार्ट करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा टेंशन थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी सोच सोच के, टेंशन से मेरी भी और अब्दुल हादी की भी बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और क्योंकि कल से उसको उल्टियाँ हो रही हैं, पता नहीं उसने जूस पिया है तो उसकी वजह से हो रही है ना, पेट ख़राब हो गया उसका। तो उसको जी 2-3 बार आ गई, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए कल इसी टाइम तो चेक करवा के आए, तो उन्होंने कहा था आप लोग वेट करें। तो फिर हम लोग, क्योंकि हस्बैंड जॉब से वापस आए थे तो उसका जाना भी वापस लाजमी था, तो हम लोग घर आ गए। तो फिर उसके बाद जी 12 बजे फिर हादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार हो गया और फिर से उल्टी हो गई। तो फिर जी हम लोग गए और उसको ड्रिप भी लगी, तो वहाँ से फिर हम लोग घर 2 बजे तक आए। और क्योंकि अभी भी उसकी थोड़ा सा सुबह से बुखार था तो अभी लेटा हुआ है, तो सुबह से भी बस उसके पीछे थी, उसको दवाई दो और उसका ख्याल रखो, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, माओं को और पूरे घर वालों को टेंशन हो जाती है, क्योंकि बच्चियाँ ना ही बोल सकते हैं ना ही बता सकते हैं, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट करें, आप लोगों को बताएँ। और क्योंकि वहाँ भी मैंने हॉस्पिटल में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज था संडे, बस सारा दिन मेरी नंद का भी घर में ही, आज थोड़ी ज़्यादा मसरूफियत हो गई और मेरी भी, क्योंकि टेंशन थी, बच्चे बीमार और अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ुकाम बुखार उन्हें भी हो रहा था, तो उसमें टेंशन और अम्मी भी थोड़ी टेंशन लेके उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर हमने कहा कि अम्मी आप लोग टेंशन नहीं लें कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और क्योंकि हमने कहा कि नया साल आएगा तो खुशियाँ कुछ तो होंगी, तो लेकिन ये भी नहीं लग रहा कि नए साल में थोड़ी खुशियाँ हैं, तो वैसे तो पूरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि अब ऐसा लग चुका है कि कहीं खुशी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, तो इसी वजह से तभी शाम होने वाली है। और मैंने कहा चलें टेंशन नहीं लें अम्मी, तो फिर अम्मी भी अभी सो गई हैं, सब सो गई हैं, अब्दुल हादी वहाँ, उसको मैंने मोबाइल दिया, मैंने कहा चलो ऐसे तुम चिड़चिड़े नहीं हो, क्योंकि उसका मोबाइल भी मैंने बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा दिल को उसने लगाया है, क्योंकि सारा दिन देखता था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो बस तुम ठीक हो जाए मोबाइल देखो। तो अभी वो मोबाइल देख रहा था तो मैं यहाँ लेटने लगी तो नींद आने लगी। मैंने कहा नहीं सोना नहीं है, चलिए व्लॉग स्टार्ट करें और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और क्योंकि अब सोऊंगी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि सर के टाइम आप लोगों को पता है बंदा सोता है तो थोड़ा सा बेतौल सा हो जाता है, तो इसलिए। तभी छोटी नन वो नहाने गई हैं, तो वो अभी शायद आ गई हैं। और तो अभी शाम का हम खाना भी बनाएंगे और मैं आपको अब्दुल हादी को भी दिखाती हूँ कि अब उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि थोड़ा सा उसको कनोला लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, कह रहा है बस इसको हटाओ। और रात को हॉस्पिटल में भी इतना रोया है कि बस उसने कहा कि ये हटाओ मुझे क्या हो गया, तो मैंने कहा बेटा नहीं परेशान हो, ये भी तुम्हारी सेहत के लिए ही है। तो फिर तो शुक्र है थोड़ा संभल गया, हम लोग आ गए और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। और अंधेरा भी हो गया है घर में तो मैं लाइटें भी ऑन करती हूँ और चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये जी आप लोगों ने पीछे देखा होगा किसको ड्रिप लगी थी, और यहाँ मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लगी, तो अभी मैं एडिट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए वॉइस डाली। और देखें ये बहुत ज़्यादा इसका मुंह भी फूला हुआ है और मेरा देखें बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लग रहा है। और यहाँ पीछे अंधेरा था, तकरीबन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, 2 बजने वाले थे और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो हम लोग इसको इमरजेंसी दाव में लेके गए थे वहाँ। हम बच्चों को वहीं लेके जाते हैं, चाहे बड़े हो या बच्चे, तो हम लोग वहीं जाते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा ख्याल करते हैं और बहुत अच्छी से देखभाल करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ जाएँ।
और वहाँ से आप लोग लें पैसे, तो अल्लाह ना करे कि कोई भी मारो वहाँ हॉस्पिटल जाए। तो यहाँ देखे मैं आपको टाइम भी बता रही थी, और मेरे हस्बैंड हम दो लोग ही बस गए थे और बस वापस आ गए थे। यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा अंधेरा था और रात तो वैसे ही हो गई थी, तो अभी हम लोग करीब ही था वैसे हॉस्पिटल, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं और फिर हम लोग बात करेंगे आपसे। वैसे पूरा साल यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन अब इन्होंने फ्रंट पे ही ग्राउंड में जगह बना लिया पार्किंग की। ये बाइक यहाँ खड़ी करके जाती हैं, जब गाड़ी हटाती हैं तब बाइक हटा के फिर यहीं गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो हमारी गाड़ी की जगह ये पक्की है, समझो कि ये देखें ये पक्की जगह है, अभी हटा दी तभी गाड़ी खड़ाएंगे। शाम भी हो गई है, सब खामोशी है। हल्का हल्का गर्म तो है अभी भी, है ना? नहीं नहीं नहीं, ठंडी अभी इतना नहीं है यार, उसकी वैसे भी जिसम की गर्माहट भी इतनी है। तब करते हैं चेक इसको दोबारा से ना उससे थर्मामीटर से, तभी ये देखें बस ये सोता नहीं है, ये घूम रहा है बस मोबाइल लेके। मोबाइल भी इसका बंद कर दिया था ना, तो उसकी वजह से भी इसने थोड़ा दिल को लगाया, रोग लगा इसको, रोग ला लिया। और ये इसका ये कल बहुत हटाने की इसने कोशिश की और अभी भी ये ख़ारिश कर रहा है कि बस हट जाए, बस मगरिब तक देखते हैं अगर फिर पूरा दिन हो गया, पूरी रात भी हो गई तो अब हटवा देंगे फिर शाम को, उन्होंने बोला था। तो खुद भी हटा सकते हैं ना? हाँ कोई नहीं, उसने कहा कि आप किसी भी क्लिनिक से निकाल सकते हो या घर भी आप निकाल लेना। तो अभी अब्दुल हारिश भी गोदी में आ गया है ये देखें, और हम लोग अभी फिर से मगरिब में हॉस्पिटल गए थे और अब्दुल हादी की दवाई लेने और डॉक्टर को चेकअप करवाने, तो उन्होंने फिर से थोड़ी तसल्ली तो दी है क्योंकि इसकी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी और इसको मोशन भी हो रही है साथ साथ और पूरा दिन इसने किए हैं और परेशान हो गई थी, तो आप लोगों को मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा। तो हम लोग बस जल्दी में गए और वीडियो भी नहीं मैंने वहाँ पर बनाई, तो बस जल्दी में गए और चेकअप कराया क्योंकि बहुत डर गए थे, और उसी वजह से फिर हम लोग वापस आ गए। तो डॉक्टर ने कहा टेंशन नहीं लो, वो आते हैं और उससे पेट साफ होगा। तो इसी तरह से फिर हम लोग आ गए, उन्होंने कहा चलो शुक्र है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग यही दवाइयाँ जारी रखें और टेंशन ना लें तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी ये देखिए ये खेल रहा है मेरे सामने, तो अभी खड़ा हुआ है, ये है कि जितना भी बीमार है तो ये बस खेल रहा है, और ये भी शुक्र है। और ये मेरा मुन्ना पीछे पुप्पो के पास था और इसकी पुप्पो ने इसको संभाला हुआ था, ये घर पे था। तो अभी हस्बैंड भी आ गए थे, खाना भी खा लिया, और वो क्योंकि वो नहीं गए थे हमारे साथ तो अब्बू गए थे गाड़ी पे लेके क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, और फिर हम लोग आ गए बस। तो शुक्र है कि अब क्योंकि फिर इसको सो पे बुखार भी हो गया था तो हम लोग डर गए थे, तो अभी शुक्र है दवाई दे रहे हैं तो इंशाल्लाह अभी ठीक हो जाएगा। तो इसकी अभी दवाइयाँ भी रखी हुई हैं, तो अभी इसको वो भी पिलानी है, तो वो भी अभी पिलाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें ये अभी खेल रहा है, अभी मैंने इसको मोबाइल दे दिया है कि बस तुम देखो और ठीक हो जाओ, तो अभी इसको दवाई देनी है, वो दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। अभी मैं हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो वहाँ बैठे हुए हैं सब बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं व्लॉग का एंड करूँ और आप लोगों तो चलें जी, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।